फाइनली आई थिंक आप लोग एक्सपर्ट तो हो ही गए होंगे किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालना, और लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर इन एनी केस थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज गो एंड वॉच माई वीडियो जहां पे मैंने इसके बेसिक समझाया है, नंबर सिस्टम समझाया है, जहां पे मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी डिफिकल्ट नंबर का वो मैंने सब एक्सप्लेन किया है। अगर आपको सब सब क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इट इज सेइंग दैट एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस एक्सप्रेशन आर कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर हमको पता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 एक कंपोजिट है क्योंकि उसके फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 1, राइट। फॉर एग्जाम्पल 20 कंपोजिट नंबर है वाई क्योंकि उसके फैक्टर्स दो से ज्यादा है। नाउ लेट्स चेक की जो एक्सप्रेशन दिया है इन्होंने क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। एक्सप्रेशन इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये एक्सप्रेशन में दो टर्म है, कौन कौन से दो टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है राइट, और एक ये 13 अलग अलग टर्म है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो यू कैन राइट 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको ब्रैकेट में रखो, क्यों, क्योंकि ये एक अलग टर्म है एंड प्लस 13 ये दूसरा टर्म है। तो चेक करते कि क्या ये कंपोजिट है। चलो अब इट इज वेरी ऑब्वियस वी कैन सी दैट कि ये दो अलग अलग टर्म में 13 और एक इधर 13, ये दो अलग अलग टर्म में एक ही नंबर है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं? डेफिनेटली कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे और जो नंबर कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब जब हमने 13 ले लिया यहाँ से तो यू यू कैन हाइड क्या बचा, 7 और 11 बचा मल्टीप्लीकेशन में, राइट 7 इंटू 11, ठीक 13 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब इसके बाद क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस 13 ऑलरेडी हमने ये वाला कॉमन ले लिया, अब 13 नहीं है तो यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे बचा 1। ऑलराइट नाउ 13, नाउ 7 इंटू 11 इज 77, वी विल राइट 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 इज हाउ मच, 77 प्लस 1 इज 78, सो इट इज वेरी ऑब्वियस वी विल हैव 13 इंटू 78। अब बेटा ये तो हमको पता ही है 78 एक इवन नंबर है, इसके और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, तो हेंस प्रूव्ड ये जो एक्सप्रेशन दिया था ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है, 13, 78, और 78 के भी तो और बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे। तो हमने बताया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दोज आर कंपोजिट, सो हेंस दिस इज अ कंपोजिट, सो यू विल राइट यस, और यू कैन नो यू कैन नॉट राइट यस, यू विल राइट हेंस प्रूव्ड दिस इज अ कंपोजिट नंबर। नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, सेम यही स्ट्रेटेजी रखेंगे इसमें भी, है ना। इसमें आपको क्या दिख रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबको एक सिंगल टर्म में हम रख लेंगे, एक्चुअली ये ऑलरेडी सिंगल टर्म है, तो ब्रैकेट में रखा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ब्रैकेट में रखा प्लस 5। अब वी कैन सी दैट ये 5 और ये 5 क्या है, कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, वी विल टेक 5 कॉमन, रिमेनिंग अंदर लिख दिया, 7 इंटू 6 इंटू 5 ऑलरेडी मैंने बाहर लिया है, क्या बचा 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 ही 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही नंबर आएगा, 5 की जगह पे यहाँ रख दिया 1। नाउ 5 इंटू, अच्छा सॉरी ये इसको ब्रैकेट में रखना है और ये एक अलग ब्रैकेट में रखना है क्योंकि हमने ये दो अलग टर्म में से 5 कॉमन लिया है। चलो अब सॉल्व करो, व्हाट इज 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ऑलराइट तो ये कितना आएगा, 1008 प्लस 1 विच विल गिव यू 5 इंटू 1009, सो अगेन वी कैन सी दैट इसके दो फैक्टर्स आ गए एंड वन मोर फैक्टर विच इज 1, तो तीन फैक्टर्स हैं मोर देन 2, सो ये आपका क्या होगा, कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट नंबर के हिसाब से हमने क्या बोला था, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऑलराइट सो यही एक स्ट्रेटेजी थी आपको प्रूव करने की, हमको करना कुछ नहीं है, बस हमने क्या देखा कि यहाँ पे 13 है, 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या कॉमन था 5, विल टेक 5 कॉमन, और बाकी ब्रैकेट में रख के इनको सॉल्व किया तो वी विल गेट दो डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट में जरूर बताइए सो दैट मुझे पता चलेगा, फिर उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस दूंगा। ऑलराइट चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।